दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वीईओ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रसिद्ध पुस्तकें, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नारायण पंडित। शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के रचनाकार हैं फिरदौसी। निम्नलिखित में कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? मुद्रा राक्षस। अगला क्वेश्चन, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन थे? तो नाट्य शास्त्र के रचयिता थे भरत मुनि। जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है पद्मावत, सॉरी जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है गीत गोविंद होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मुगल शहजादियों में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा लिखा है? गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की है? ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं कौन है? कालिदास। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक थे चाणक्य। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित के लेखक थे बाण भट्ट। अगला क्वेश्चन, अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो अष्टाध्यायी ये जो रचना है ये पाणिनि की रचना है। 12वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक कालिदास द्वारा नहीं लिखी गई है? कौन सी पुस्तक जो कि कालिदास के द्वारा नहीं लिखी गई है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चरक संहिता ये संबंधित है चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन, बीजक निम्नलिखित में से किसकी कृति है? तो बीजक ये कबीरदास की कृति है। अगला क्वेश्चन, पद्मावती कथा के लेखक कौन है? तो पद्मावती कथा के लेखक हैं जायसी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई? तो काव्य दर्श नामक ग्रंथ की रचना ये की गई है दंडी के द्वारा। नागनंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली निम्नलिखित में से किसकी रचनाएं हैं? तो ये हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हुमायूं नामा का लेखक कौन थी? हुमायूं नामा के लेखक कौन है? गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मिताक्षरा किसकी रचना है? तो मिताक्षरा ये रचना है विज्ञानेश्वर की। अगला क्वेश्चन, मिताक्षरा का संबंध है? तो मिताक्षरा का संबंध है हिंदू विधि से। अगला क्वेश्चन देखिए, लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक संबंधित है गणित से। अगला क्वेश्चन, संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है? तो संस्कृत ग्रंथ अष्टाध्यायी का संबंध है व्याकरण से। अगला क्वेश्चन, महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है? महाभारत महाकाव्य का मौलिक नाम है जय संहिता। बुद्ध चरित्र निम्नलिखित में से किस कृति है? तो बुद्ध चरित्र है जो ये अश्वघोष की कृति है। अगला क्वेश्चन, महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य ये पतंजलि की कृति है। अगला क्वेश्चन, नीति शतक के लेखक कौन है? तो नीति शतक के लेखक हैं भर्तृहरि। अगला क्वेश्चन, वृहत संहिता के रचनाकार हैं? तो वृहत संहिता के रचनाकार हैं वारहमिहिर। अगला क्वेश्चन, किराता जीवनम किसकी कृति है? आंसर हो जाएगा भारवी की ये कृति है। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटिकम किसकी रचना है? तो मृच्छकटिकम ये जो रचना है ये शूद्रक की रचना है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस ये विशाख दत्त की रचना है। अगला क्वेश्चन, दस कुमार चरितम किसकी रचना है? ये जो रचना है ये दंडी की रचना है। अगला क्वेश्चन, पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका के लेखक हैं वारहमिहिर। अगला क्वेश्चन, मत विलास प्रश्नम किसकी रचना है? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन। अगला क्वेश्चन, स्वप्न वास रतम के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वाष। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्रबरदाई। अगला क्वेश्चन, कपाल कुंडला के लेखक कौन है? तो कपाल कुंडला के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन देखिए, गण देवता किसकी रचना है? तो गण देवता
ताराशंकर पदोपाध्याय की रचना है। चरित्रहीन किसकी रचना है? तो चरित्रहीन ये शरदचंद्र चटर्जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है। गुलबदन बेगम द्वारा रचित पुस्तक है हुमायूं नामा, ऑप्शन वी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिका किसने लिखी है? तो इंडिका मेघा स्टेज ने लिखी है। अगला क्वेश्चन, परिप्लस ऑफ एरिथ्रेशन सी के लेखक कौन है? इसके लेखक होंगे डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है? वीजक, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, तो वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई संस्कृत में, ऑप्शन वी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कालिदास की नहीं है शारिपुत्र पराक्रम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? कादंबरी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? आंसर हो जाएगा अष्टाध्यायी। बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है, तो बाबरनामा तुर्की में लिखा गया है। कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमदेव। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? तो किस विषय से संबंधित है? गणित विषय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विक्रमांक देवचरित पुस्तक के लेखक कौन है? विल्हड़। कामसूत्र के लेखक हैं, तो कामसूत्र के लेखक हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गोरा किसकी रचना है? तो गोरा ये रविनाथ टैगोर की रचना है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र ये राजतंत्र पर लिखी गई पुस्तक है। कबीर के दोहों के संग्रह का नाम है? कबीर के दोहों के संग्रह का नाम है बीचक। अगला क्वेश्चन, जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? किसकी रचना की है जायसी ने? पद्मावत। अगला क्वेश्चन, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? तो ये क्या है? ऑप्शन सी नाटक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ के लेखक विष्णु शर्मा हैं? ऑप्शन सी पंचतंत्र। श्री मद भागवत की रचना किसने की है? तो ये की है वेद व्यास ने। अगला क्वेश्चन, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? अनुवाद है, आंसर हो जाएगा महाभारत। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हों है पाली ग्रंथ। कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? ये किया विलियम जोन्स ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? किससे की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? बाबर। कथा का नाम है बाबरनामा। अगला क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? तो ये हुआ दारा शिकोह। अगला क्वेश्चन, दारा शिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया है? किस भाषा में किया है? सिर ए अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत का फारसी अनुवाद में शीर्षक है? ऑप्शन वी रजनामा। मेघदूतम की किसकी रचना है? तो मेघदूतम ये कालिदास की रचना है। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए योग सूत्र। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? ऑप्शन डी कुमार संभव। अगर क्वेश्चन देखिए, हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिता बुद्ध किसने किया? तो किसने किया था? मनु। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है? कौन सी कृति कालिदास की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो ये किस कवि ने लिखा है? ये लिखा है कालिदास। अगला क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयास प्रशांति के लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन बी हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन, मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन। अगला क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक पार्टियां। चरक संहिता की विषय वस्तु है औषधि।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋतु श्रृंगार किसकी कृति है? ऋतु श्रृंगार एक कालिदास की कृति है। अगला क्वेश्चन, राज तरंगड़ी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? राज तरंगड़ी संस्कृत भाषा में रचित है। मालती माधव किसकी कृति है? तो मालती माधव ये भवभूति की कृति है। जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? जातक कथाएं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक हैं अबुल फलाज। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? तो ये लिखी है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुडयार्ड किपलिंग। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? वी एस नायपाल। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? अरुंधति राय। ए ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी खुशवंत सिंह। टर्निंग पॉइंट ए जर्नी थ्रू चैलेंज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन वी ए पी जे अब्दुल कलाम। एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा किसने लिखी है? किसने लिखी है? नीरज सिंह चौधरी। अनटोल्ड स्टोरी के लेखक कौन है? वी एस कॉल। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कौन सा नाटक लिखा है? कौन सा नाटक लिखा है? ओम्स द एंड द मैन। गांधी एंड स्टालिन पुस्तक किसकी कृति है? तो किसकी कृति है दोस्तों? लुइस फिशर। अगला क्वेश्चन, पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है? रजनी कोठारी। ए सोल्जर्स जनरल पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन डी जनरल जे जे सिंह। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने लिखी है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है? ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद। हार्ट ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखी है मार्क तुली ने। अगला क्वेश्चन, खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई आत्मकथा है? ऑप्शन बी ट्रुथ एंड लिटिल मैलिस। अगला क्वेश्चन, मालगुडीडेस किसकी रचना है? ये किसकी रचना है? आर के नारायण। पुस्तक इनहेरिटेड मॉडल्स का लेखक कौन है? कौन है? ऑप्शन बी ए पी जे अब्दुल कलाम। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो कौन थे? ऑप्शन बी ज्योतिबा फुले। ओडिसी किसकी कृति है? तो ओडिसी ये ऑप्शन सी होमर कृति। अगला क्वेश्चन, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स के लेखक कौन थे? ऑप्शन डी एम के गांधी।